नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रेसिपीज बाय कविता में। नवरात्रि स्पेशल रेसिपीज में आज हम बनाएंगे आलू बीटरूट कटलेट। कटलेट के लिए लेंगे 4 उबले हुए आलू, ग्रेटेड बीटरूट, रोस्टेड पीनट्स, भुना हुआ जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक, हरा धनिया, थोड़े से करी पत्ता। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। इसके लिए लेंगे आलू, अच्छे से मैश करेंगे। अब डालेंगे बीटरूट, बीटरूट का मैंने पानी निकाल लिया था। अब डाल देंगे पीनट्स, भुना हुआ जीरा, करी पत्ता, हरा धनिया, सेंधा नमक, काली मिर्च, अदरक और हरी मिर्च। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। बाइंडिंग के लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बीटरूट के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। डो हमारा रेडी हो गया है। अब हम कटलेट बनाते हैं। हाथों पर थोड़ा घी लगाएंगे और कटलेट की शेप दे देंगे। इस तरह से हम सारे कटलेट्स को बना कर रख लेंगे। देखिए कितने कलरफुल लग रहे हैं। आइए इनको सेक लेते हैं। इसके लिए पैन में डालेंगे 1 चम्मच घी। घी गर्म हो गया है। इनको दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से सेकने से ये और भी हेल्दी रहेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। दूसरे कटलेट्स को भी इसी तरह से सेक लेंगे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। हम इनको सर्व करेंगे पुदीने और टमाटर की चटनी के साथ। इस चटनी को हम फास्ट में खा सकते हैं, इसमें मैंने लहसुन नहीं डाला है। गार्निश करेंगे थोड़े से पुदीने के साथ। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। आपसे कल फिर मिलेंगे व्रत की एक नई रेसिपी के साथ।